नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। राज्य में सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली बसपा की पहली लिस्ट है। 9 विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। वही 2 सीटों पर बसपा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। दोनों विधायकों, जयजयपुर विधायक और किशोर प्रसाद चंद्रा और पामगढ़ विधायक इंदु बंजारी को फिर से टिकट दिया गया है। वही आपको बता दें कि राज्य में 13% अनुसूचित जाति जनसंख्या है और 10 विधानसभा सीट SSC के लिए आरक्षित है। वही पिछले चुनाव में बसपा जोगी कांग्रेस से गठबंधन कर चुकी है। इस बार भी इसी तरह की चर्चाएं हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव में 1 दूसरे में, 2 तीसरे में और 2 चौथे में विधानसभा चुनाव में, 1 और 5वें विधानसभा चुनाव में फिर 2 विधायक बसपा के जीते हैं। वही आपको बता दें कि अपनी पारंपरिक सीटों पर बसपा कांग्रेस और भाजपा को मात देने में कामयाब रहती है। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बदस्तर दौरे पर हैं। वही जगदलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलियों की ताकत पहले से कम हुई है। अब नक्सलियों ने लड़ाई लड़ने का तरीका बदल दिया है। पहले ब्लास्ट कर हमले करते थे, लेकिन अब टारगेट कर घर जाकर हत्या कर देते हैं। जल्द ही इनका सफाया किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं कोई दिन या तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नक्सलियों को पीछे धकेला जाएगा। वही आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में नक्सली काफी हद तक पीछे हट चुके हैं। अब इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये केवल नाम मात्र के रह जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके शासनकाल में आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मार दी जाती थी। वही तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां प्रदेश के भाजपा सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे। वही छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से होगा। वही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की जानकारी भी नरेंद्र मोदी सांसदों से लेंगे। केंद्र सरकार चुनावी साल में कई तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ में शुरू करने जा रही है, जैसे सड़क और रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट। इस पर भी पीएम सांसदों से बात कर सकते हैं। वहीं सांसद सुनील सोनी, रेणुका सिंह, गुहाराम अगजले, वहीं संतोष पांडे समेत सभी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में चुनावी चर्चा भी होगी। वहीं मोदी सांसदों से पूछ सकते हैं कि बताएं कि आगामी चुनाव कैसे जीतेंगे। सांसदों से प्रदेश की राजनीति पर मोदी सीधे फीडबैक लेंगे। इसके बाद संभव हुआ तो प्रदेश के भाजपा विधायकों का भी दिल्ली बुलावा किया जा सकता है। वही चौथी खबर में, रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। जी हां, रक्षाबंधन के ठीक पहले ट्रेनों को बंद कर रेल प्रशासन ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस बार चौथी लाइन को बिलासपुर रेल मंडल के सख्ती स्टेशन से जोड़ने और यार्ड का रिमॉडलिंग करने के नाम पर गाड़ियों को रद्द किया गया है। ट्रेनों को 9 से 23 अगस्त तक कैंसिल कर दिया गया है। वही यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। वही सख्ती स्टेशन हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर है। यहाँ नागपुर से बिलासपुर और झारसुगड़ा से चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इनमें से कुछ सेक्शन में चौथी लाइन का काम पूरा भी हो गया है, साथ ही उनमें ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। अब चौथी लाइन को सख्ती रेलवे स्टेशन से जोड़ने और रिमॉडलिंग की तैयारी चल रही है। इस काम को पूरा करने के लिए सख्ती स्टेशन में 10 से 22 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिसके कारण इस रूट में 9 से 23 अगस्त तक ट्रेन प्रभावित रहेंगे। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।